आशु है और मैं आगरा से आया हूँ। और पेपर थोड़ा सा टफ था, अगर जीएस की बात की जाए, जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि साउथ स्ट्रीट होती है साउथर्न इंडिया की, उधर से ज़्यादा पूछे थे। और करंट अफेयर भी थोड़ा सा लेटेस्ट ही था, ओलंपिक का बस एक ही क्वेश्चन था। और मैथ्स भी थोड़ी सी कैलकुलेटिंग ज़्यादा थी, मतलब टाइम ओवरऑल ये था कम रह गया। रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग सही थी, रीजनिंग अच्छी आई थी। और इंग्लिश? इंग्लिश ईजी थी। तो कट ऑफ बढ़ेगी क्या? कट ऑफ रहेगी वही 150-160 के बीच। 150-160। मेरा नाम सचिन कुमार है। इंग्लिश इजी थी, मैथ कैलकुलेटिव था और जीएस में करंट ज़्यादा पूछा हुआ था, रीजनिंग भी इजी थी। मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ में एडवांस से क्वेश्चन अच्छे पूछे हुए थे, परसेंटेज से क्वेश्चन था, एक एवरेज से था और भिन्न से था सरलीकरण से, और रेशियो से क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन आसान था, और त्रिकोणमिति से क्वेश्चन थे दो। इंग्लिश में कहाँ से आए थे? इंग्लिश में तो वही जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग था उसी के अनुसार पूछा गया था और आसान था, वो कैब अच्छी पूछी गई थी। तो करंट अफेयर्स में कहाँ से आए थे? करंट अफेयर्स में 2020 और 21 का, ये करंट अफेयर मेरी याद नहीं था तो उन्होंने। थैंक यू। बताइए, मतलब वैसे तो ईजी आया था आज का। मैथ्स में कहाँ से आया था? मैथ्स में जैसे मतलब वर्क से आया था एक, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट था, और इंग्लिश में कहाँ कहाँ से आया लॉस था। इंग्लिश में जी, इंग्लिश में भी इजी क्वेश्चन आए थे, जैसे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और सिनोनिम भी इजी आया था, जैसे कि एक तो मतलब पूछ लिया था कि सेक्रीफाइस की स्पेलिंग उसमें गलत दे रखी थी तो वो बताना था। और करंट अफेयर्स कहाँ से आया था? करंट अफेयर्स थोड़ा पिछले साल के भी पूछ रहे हैं, मतलब 9 महीने से ऊपर के भी पूछ रहे हैं हमें। रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग रीजनिंग तो इजी थी, इजी आई थी। हाँ, एक दो क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी सारे इजी थे। तो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? पेपर देख के तो लग रहा बढ़ जाएगी। शैलेश कुमार, तो मैथ्स में कहाँ कहाँ से आया था? ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन थे, और ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट से थे क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड और सिंपल से मिक्स थे। अच्छा, और एक ये सर्कल से था, और परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, और रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग आसान थी, सारी आसान, एक दो मॉडरेट लेवल की थी, वहीं पे लोग फंसे होंगे तो एक दो मॉडरेट लेवल पे, बाकी सारा कुछ पेपर आसान था। इंग्लिश भी आसान थी? हाँ, ऑल ओवर पेपर आसान था। मेरा नाम जॉर्ज है, मेरा CHSL का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, और पेपर नॉर्मल था, ज़्यादा टफ नहीं था। मैथ्स में कहाँ कहाँ से आया था? मैथ्स में ज़्यादातर एडवांस था, अर्थमेटिक्स का भी था थोड़ा पोर्शन, परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन थे काफ़ी, था इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा हल्का था, ईजी था, एंड रीजनिंग भी काफ़ी हद तक ठीक ही थी। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के वेटेज ठीक ठाक ही था, हिस्ट्री का वेटेज बहुत कम था, जोग्राफी का वेटेज थोड़ा था। कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? जी, कट ऑफ बढ़ सकती है, बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद। पेपर सरल था ओवरऑल? आप बताइए। मेरा नाम दीपांशु तिवारी है, पेपर नॉर्मली पेपर था। अच्छा, मैथ्स कैसी आई थी? मैथ्स भी मतलब नॉर्मल था सारा, नॉर्मल मैथ्स। इंग्लिश में कहाँ कहाँ से आया था? इंग्लिश में सारे टॉपिक आए थे, इडियम्स के आया था, सेंट ऑनर्स आया था, और करंट अफेयर्स कहाँ से आया था? क्या करंट अफेयर्स? करंट अफेयर 2020-21 का आया था। माई नेम इज अनिल, इसमें मैथ्स काफ़ी थोड़ा हार्ड आया था, एडवांस मैथ आई थी, एंड इंग्लिश काफ़ी सही थी, इट्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, एंड पेपर वॉज गुड। करंट अफेयर्स कहाँ से आया था? करंट अफेयर्स आए थे ये किसी 3 मंथ। रीजनिंग कैसी आई थी, कहाँ से आया था? रीजनिंग ज़्यादातर उसमें से आए थे, अल्फाबेट्स वाले में से। और इंग्लिश? इंग्लिश भी गुड थी, काफ़ी अच्छी आई थी। हाँ जी, मेरा नाम हर्षित मिश्रा है और मैं शाहदरा से आया हूँ, दिल्ली से। और जी, पेपर का लेवल सरल भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो नए करंट अफेयर बेस्ड ज़्यादा ये अपनी जीके आई थी। अच्छा, हाँ जी। मैथ्स कैसी आई थी? मैथ्स जी नॉर्मल आ रखी थी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड मैथ थी, ज़्यादा ट्रिक नहीं थी, बस DI ज़्यादा पूछी गई थी, करीबन 5-6 सवाल DI के लिए आ गए थे। और रीजनिंग? रीजनिंग जी नॉर्मल थी, ज़्यादातर क्यूब बेसिस के, ब्लॉक प्रिंटिंग के ऐसे सवाल आ रहे थे। और मैं इंग्लिश? इंग्लिश नॉर्मली थी, बट इंग्लिश में क्या है कि टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि लास्ट में 4 पैसेज के क्वेश्चन दे दिए थे और पैसेज अलग अलग थे। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे ख्याल से बढ़ेगी, क्योंकि सुबह की शिफ्ट में भी मेरे बच्चों से बात हुई थी जो निकल रहे थे, तो उनका पेपर भी
हैवी आ गया था थोड़ा। कभी जीके जीके स्टैटिक से ना पूछ के करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहे हैं।